पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने आज 3 बजे प्रेस वार्ता बुलाई थी। तय समय के अनुसार तिवाड़ी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस को गंगाराम और सत्यनारायण जैसे नाम पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें राम का नाम है। कांग्रेस ने नस्ल के आधार पर भारत का विभाजन किया। बीजेपी कहती है कि जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, हम ऐसे भारत के वासी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी का कल्चर पसंद नहीं है। कांग्रेस पहले जाति और धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया करती थी और अब नस्ल के आधार पर देश का विभाजन कर रही है। कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो बोलते हैं 12 तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये लोग भारत को खत्म करना चाहते हैं। हमारे पीएम कहते हैं जो ऐसा करना चाहते हैं हम उसको सफल नहीं होने देंगे और हम भारत की एकता और अखंडता कायम रखेंगे। यह लोकसभा चुनाव इन्हीं दो बातों के बीच में लड़ा जा रहा है। देश भर में 3 चरण के चुनाव खत्म हो गए, बाकी के चरण में इस मुद्दे पर जनता पार्टी लोगों को जागृत करने का प्रयास करेगी। साथ ही तिवाड़ी ने कहा कि पीएम वो युग पुरुष है जो ये स्वीकारते हैं कि मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, नवरात्र करता हूँ। आज संपूर्ण भारत की जनता उन्हें सनातन धर्म के रक्षक और सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में स्वीकार कर रही है। सुनिए तिवाड़ी ने क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में। नमस्कार, प्रमोद जी ने सबका परिचय करा दिया है, इसलिए मैं सबका नाम उल्लेख के बिना आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात में आप सामने रखूंगा, जो मूलतः है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मूल में क्या अंतर है। शिवाजी पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं घोषित की थी, उसमें पहली निष्ठा थी एक जन एक राष्ट्र और एक संस्कृति। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र है जो सनातन से चलाया है, जो जब से ब्रह्मांड में पृथ्वी बनी है तब से बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि कई राष्ट्रों का समन्वय है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत में कोई मिलीजुली संस्कृति नहीं है, भारत में सनातन काल से, वैदिक काल से, ऋग्वेद से लेकर कलयुग तक जो चली आ रही है वो एक ही संस्कृति है और वो भारत है। ये विषय जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिनको सत्यनारायण नाम भी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें नारायण का नाम आता है, और गंगाराम भी पसंद नहीं है कि उसमें गंगा का नाम आता है, राम का नाम आता है, इसलिए इनको इनसे सेम लगी कि सेम सेम है, तो उन्होंने अपना नाम सेम पित्रोदा कर लिया। तो ये जो सेम पित्रोदा है, इन्होंने जो परसों अपनी बात कही है वो उसी बात का परिचायक है। सेम पित्रोदा और कोई नहीं है, फिलोसफर है, गाइड है, राहुल जी का, प्रियंका जी का और सोनिया जी का। और फिलोसफर गाइड के साथ साथ वो कांग्रेस का विचार पुंज भी है, जिसको अंग्रेजी में थिंक टैंक कहते हैं, वो कांग्रेस का है। और उसने जो विचार प्रकट किया है, पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण के नाम से बांटती थी, फिर उन्होंने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू किया, फिर जातियों के नाम पर विभाजन शुरू किया। जब इसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तो अब कांग्रेस ने नस्ल के आधार पर भारत का विभाजन का षड्यंत्र रचा, और उसमें उन्होंने कहा कि आसाम और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के लोग वो चाइनीज नस्ल के लोग हैं वैसे लगते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग वो अफ्रीकन नस्ल कैसे लगते हैं। तो भारत में वो करने का ये प्रयत्न कर रहे थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये भिन्न भिन्न नस्लों का समन्वय है।
तो यह नस्लवादी दृष्टिकोण कांग्रेस का भारत को तोड़ने का दृष्टिकोण है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब से हमने सुना है तो हमने दो बात सुनी है, उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत हिमालय, दक्षिणम समुद्रस्य, जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में समुद्र है, देशोयम भारत वर्ष है, भारती तत्र संतति। ये भारतवर्ष देश है और भारतीय इसके नागरिक हैं। कि हिमालय के ही शब्द से, हिमालय के पहले आता ही, और कन्याकुमारी का जो समुद्र है उसको इंदू सागर कहते हैं संस्कृत में, तो इंदू का नदू मतलब आखिरी अक्षर, तो हिमालय का पहला ही और इंदू का आखिरी नदू, तो हिंदू, तो हिमालय समारंभ यावत इंदू सरोवरम तंग देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम समाचरेत। ये जो देश है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक का, ये हिंदुस्तान नाम से है और इसको हिंदुस्तान नाम से हम कहना चाहते हैं। ये कल्चर कांग्रेस को पसंद नहीं। तो कांग्रेस पहले जाति के आधार पर देश को तोड़ना चाहती थी, फिर धर्म के आधार पर देश को तोड़ना चाहती थी, अब नस्ल के आधार पर उसका चेहरे पर जो नकाब था वो नकाब हट गया है और कांग्रेस पार्टी अब नस्ल के आधार पर भी देश का विभाजन करना चाहती है। कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सात पुरियां सारे भारतवर्ष में फैली हैं। कांची तमिलनाडु में है, माया हरिद्वार है, अयोध्या है, उज्जैन है, तो अखंड भारत का और भारत की एकता का, और वैज्ञानिकों ने जो डीएनए टेस्ट किया है उसमें भी साफ आया है कि भारतवर्ष में रहने वाला हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति का है, किसी भी कोने में रहता है, उनका सबका डीएनए एक ही है। तो भारत को हमने इसलिए एक जन, एक राष्ट्र और एक संस्कृति माना, ये हमारी विचार निष्ठाओं की पहली निष्ठा है। और कांग्रेस भारत को तोड़ने में लग रही है, इसलिए टुकड़े टुकड़े मेंबर इन भारत के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे करने वालों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। और कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्र के एकात्मता के साथ विश्वासघात कर रही है। ये बात स्वयं पेत्रोदा के भाषण से बिल्कुल साफ हो गई है, वो निकल कर बाहर आ गई है। अब उसका इस्तीफा दिला दिया, कांग्रेस को अलग कर दिया, ये तो वो है कि आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर पड़ी थी, तो धूल तो इनके चेहरे पर पड़ी हुई है, अब ये इस्तीफा दिलाकर आईना साफ कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो मैं आज मेरा कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर चुनाव में गई है, भारत के भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी कांग्रेस खत्म करना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी है, इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। और मैं उनके और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जबरदस्त खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समाप्त नहीं होने देगा। और हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से कांग्रेस पार्टी को चुनौती देकर कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तोड़ने का कोई भी प्रयत्न कोई भी करेगा उसको हम सफल नहीं होने देंगे और हम भारत की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। ये चुनाव इन्हीं दो बातों के बीच में लड़ा जा रहा है देश भर में, तीन चरण खत्म हो गए हैं, बाकी के चरण में इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार से एक विशेष बात और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही है कि हर किसी भी कीमत पर वो संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। हम धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। इन्हीं मुद्दों पर इस देश के अब आखिरी चरणों के चुनाव जाएंगे, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।